नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। मैं फिलहाल ये नवादा गांव है जी, तो मैं नवादे गांव में आया हूं और यहां का जो मैंने चुनाव के टाइम पे माहौल जो है यहां पर बहुत ख़ास सुना है, लेकिन मैं यहां पर पहुंच नहीं पाया। और मैं ये बताता हूं, यहां पर जो समालखा हल्का की मैं बात करूँ करनाल लोकसभा की, तो यहाँ पर है ना 5-6 गाँव ऐसे हैं जैसे मतलब उत्तर प्रदेश के अटैच में ही है बिल्कुल ही, और मुसलमान जो है मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। और कुछ ये सुनने को आया कि भाई जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट नहीं करा बीजेपी को, क्या कुछ है, किस पर जो है वोट करे, क्या सोच कर इन्हें वोट करे। काफ़ी गांव वाले मेरे साथ बैठे हैं चर्चा करने के लिए, और काफ़ी सुंदर गांव है ये, देख सकते हैं आप, ये चारों तरफ ना मैं कैमरा कहूँगा, एक अनोखा गाँव है। इसकी खासियत ही बताएँगे थोड़ी सी, क्योंकि ये यमुना किनारे एक सटे आए कि ये गाँव है, नगर है, बहुत अच्छा गाँव है। फिलहाल मैं एक मेन अड्डे पे आया हूँ, अड्डे पे थोड़ी सी चर्चा करने के लिए कि भी चुनाव जो है किस मुद्दे पर है। कौन से बोल रहे, कौन से बात करोगे जी? अच्छा आप बात करोगे, चलो मैं खड़े हो गए बात करता हूँ बैठने की, क्योंकि कुर्सी का रोड़ा है, कुर्सी के ऊपर जूत बाजार तो हम कुर्सी नहीं लेते। अच्छा जी, पहले तो राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो जी? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, चुनाव कैसे तरीके से हुआ आपके यहाँ पे? चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अच्छा जी। हाँ, बहुत निष्पक्ष चुनाव। अच्छा, क्या सोच के लोगों ने वोट दिया है, कहाँ पे वोट किया है? ज़्यादातर वोट नरेंद्र मोदी के नाम से लगा। अच्छा जी। हाँ, पहले अपने गांव की खासियत बताओ। खासियत ये है, हमारे तो 1260 वोट पोल हुए। अच्छा जी। तो इसमें 400 के लगभग 450 वोट बीजेपी को गए। अच्छा, क्यों गए जी बीजेपी को? क्यों गए थे? यानी बीजेपी को ऐसे गए कि विकसित भारत 2047 में नंबर एक होगा। अच्छा जी। 2047 में नंबर एक होगा। मोदी जी कह रहे हैं तीसरे नंबर, मैं कह रहा हूँ एक नंबर पे होगा। अच्छा, 2047। 2047। लेकिन इतने आगे तक का अनुमान कैसे लगा रहे हैं? हम इनके काम काज को देख के अनुमान लगा रहे हैं मोदी जी के। तो मोदी जी तो कब की बार रह लेंगे? हाँ, वो कुछ ऐसा हुआ कि जो सांसद खड़े थे हमारे यहाँ, कुछ पब्लिक को वो पसंद नहीं आए। अगर डायरेक्ट मोदी का इलेक्शन होता, डायरेक्ट वोट मोदी को पड़ता, तो 400 पार हो जाते। अच्छा। बगैर सांसद के, सांसद का अलग वोट पड़ता, मोदी को अलग वोट पड़ता, तो 400 में दावे से कहता हूँ 400 पार हो जाते। मतलब कि कहीं ना कहीं जो टिकट दिए गए हैं वो ठीक नहीं, उसके बारे में पब्लिक। अच्छा जी। पब्लिक को उसके बारे में जैसे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने अपना वोट सिर्फ मोदी को दिया है, ना कि खट्टर को दिया। देखो भाई, यहाँ से खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने मोदी को वोट दिया ना कि खट्टर को, ऐसे क्या मतलब? खट्टर से क्या नाराज़? खट्टर से नाराज कुछ नहीं है, उन्होंने 9.5 साल में वो काम किया जो पीछे आज तक मेरी उम्र 72 साल की है, आज तक कोई भी ऐसा सीएम नहीं देखा जो कि बगैर पैसे नौकरी लगी खट्टर के सरकार में लगी। अच्छा। लेकिन खट्टर को भी दिया तो मोदी को भी दिया। अच्छा, अच्छा। एक वोट दो जगह दिया मैंने। अच्छा, यानी आधा आधा करके दे दिया। एक वोट आधा आधा कर दिया, बस मेरे को दोनों देखे, दोनों चीजें हैं। हाँ जी। अच्छा, खट्टर साहब के बारे में क्या इमेज है, क्या सोचते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ना, सुनो मेरी बात, कुछ लोग बोलते हैं खट्टर ने कुछ नहीं कराया हरियाणा में, कुछ नहीं कराया ना, तो बेरोजगारी ज्यादा फैल गई। ठीक है। हम चार भाई हैं, चारों भाइयों के तीन तीन दो दो लड़के बगैर पैसे, एक डब्बा मिठाई का तो बांटे हमने गाँव में, लेकिन बगैर पैसे लगे। और हुड्डा की सरकार में हमारी रिश्तेदारी में 10-10 लाख में लगे। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये सच्चाई है, मैं साबित कर देता हूँ। अच्छा जी। हाँ, मतलब एक मिनट आप सुनिए। हाँ। मेरे दो लड़के, मेरे भाई के 3 लड़के, मेरे भाई के और 2 बच्चे, वो बगैर पैसे, इस गाँव में छोटा सा गाँव है, 1200 वोट पोल हुई है, इसमें 15-20 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, वो नौकरी लगे हैं। क्या बात है। एक मिनट बात मना कर, सुनो सुनो। और पूछो क्या कहो। मोदी जी कह रहे हैं हम 5वें नंबर पे लाएंगे, 3रे नंबर पे लाएंगे, मैं कह रहा हूँ मोदी जी 2047 तक दिन से रहे थे एक नंबर पे आएगा इंडिया। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन लगता है कि भाई जैसे अभी तो 75 साल की उम्र हो गया, 100 साल तो उम्र। देखिए जी, उम्र तो मैं बढ़ा नहीं सकता, मेरी भी 75 साल है, उम्र तो बढ़ा नहीं सकता। अगर भगवान इनको उम्र दे दे तो 2047 में अमेरिका पीछे हो जाएगा। मतलब यही चाहते हो कि दोबारा फिर यही प्रधानमंत्री बने? तो मतलब वो 75 साल की होगी, अब तो एक दिन का भी पैसा नहीं है ना मेरे, मैं भी तो 75 साल का हूँ। अगर ये 47 तक जिंदा रह जाए तो नंबर एक अमेरिका पीछे छूट जाएगा। अच्छा, ये कैसे लगता है आपको? ये मेरे को ऐसे लगता है कि सुनो सुनो, आपने एक बार भी अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा, लेकिन महंगाई देखो, कांग्रेस के राज में तो 400 रुपये का सिलेंडर था। मेरा लड़का 2.5 लाख रुपये महीना ले रहा है, तो मेरे लिए महंगाई कहाँ है? कोई बच्चे लग रहे हैं, 500 रुपये की दिहाड़ी आप करना चाहते हो, कोई कर रहे 500 की दिहाड़ी फट मिलती है, कोई ना करे तो ना करे, 500 में घर का गुजारा होता है। क्या बात। ठीक है ना, अब महंगाई है, मान गए महंगाई है,
तो पहले मैं 2.5 रुपए दिहाड़ी पे काम करता था, आज मेरी 7500 रुपये मैं मेरे को 1000 रुपए भी मिल जाएंगे, 500 मिल जाएंगे, लेकिन करने वाला हो, ना करने वाला तो भूखा सोया रहेगा। फिर ये सरकार ऐसी है, जो बीजेपी की सरकार हरियाणा हो, मतलब कहीं भी हो, मैंने बहुत देख लिया, राजस्थान देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, MP देख लिया, बहुत कुछ देख लिया, मैंने बिहार देख लिया, झारखंड देख लिया, मतलब 90% जो है ना मोदी को वोट जा रहा है। अगर ये जो सांसद हैं हमारे, जो अगर मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर सीधा मोदी को वोट है, जैसे पंच को आता है, सरपंच को आता है, तो मोदी को वोट हो जाए 400 पार, इसको रोक नहीं सकता कोई, मतलब सीधा डायरेक्ट मोदी को। हाँ, सीधा तो 400 पार नहीं रुकता, कल करवा के देख लो। एक बात, दूसरी बात ये, ये खट्टर जी हैं, इनको वो महकमा दिया जो कि बहुत ही मड़ाई वाला, लेकिन ये एक पैसा नहीं खाया इन्होंने हरियाणा में। ईमानदारी है, ईमानदारी से इन्होंने अपनी जमीन भी कहीं, हमने सुना है, वहाँ दे दी, ट्रस्ट में दे दी। अच्छा जी, हाँ जी, और सुन बात करो। ये देखो भाई कितनी बड़ी बात है, मतलब यार ये चीज़ें तो मैंने कई बार सुनी है। हाँ हाँ, तो ये चीज़ें ना मैंने काफ़ी बार समझाया है। हाँ चलो, मैं उनसे भी ले लेता हूँ थोड़ी सी बातचीत। हाँ अच्छा, ये बताओ जी, ये बिल्कुल जो ये बात कह रहे हैं, ये सही मायने में सही कह रहे हैं या फिर आपका मत अलग आया कुछ? देखो डीजल पेट्रोल भी यहाँ टैंक रखे इन्होंने भाई, महंगा ही नहीं है क्या? ऐसा मैं बताऊँ तुम्हें, सरकार निष्पक्ष है, मान ले सांसद पहले सांसद बनाए होते हैं, ये सांसद मोदी को बनाए, मोदी के फैक्ट्री थे सांसद बने, पहले सांसद मोदी को राजा को बना करते प्रधानमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री ने सांसद बनाए, मान ले जो फैक्ट्री मोदी का था ना वो मोदी का, लेकिन सांसद का फैक्ट्री नहीं था आपका, मान ले अरे खट्टर की बात, खट्टर एक ईमानदार नेता निष्पक्ष, इसके साथ पता नहीं क्या क्या हरियाणा में क्या क्या इसके ऊपर दिक्कतें आई, मैं कह रहा हूँ वो आरक्षण आया आंदोलन आया, फिर 13 महीने का वो आया मान ले, फिर वो राम रहीम आया, फिर ये रामपाल आया, मान ले सरकार इसके साथ मान ले लोगों ने बहुत अन्याय करा। अच्छा रही बात है, मान ले 30 कर 70 का आंकड़ा, 30 किसान है, 70 बेरोजगार गरीब आदमी है, तो मान ले अगर किसानों की सुनेंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब कहाँ जाएंगे ना, ये मस्जिद कर रहा है मस्जिद, अगर बन ले मस्जिद दे दी मतलब टमाटर की भी मस्जिद हो मारे को MSP, अगर टमाटर का MSP कितने के भाव को। अच्छा राहुल गांधी के बारे में क्या इमेज है, मैं एक बार थोड़ी सी आपके MSP की तो मांग कर रहे हैं कि हम, राहुल गांधी ने ये बात कही थी अगर हमारी सरकार बनती है तो MSP लागू करें। नहीं ऐसा मान लीजिए लगने वाली चीज़ है, राहुल तो वो था अग जा रहा गरीब आदमी वाले काम करे, उनकी रोटी खा ली जाकर, उनकी रोटी खा ली उल्टे निकाल लो 5-10 लाख रुपये ले लो और अपना मकान बनाओ, जीरी लाल लगे वहाँ जाके बढ़ गए जीरे लाल लगे, वो तो प्यार प्रेम में खाए, योग का तरीका थोड़ी है। अरे जब रोटी खाओ था उसके बोलता 5-4 लाख रुपये देता ल मकान बना, फलानी चीज़ खा डिगड़ी चीज़ है, तो फिर एक लोग दे देते। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार में आएंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, जितना जो मैंने यात्रा करी ना भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूट कर रहा था, भारत कहाँ से टूट रहा था, किसने तोड़ रखा था भारत, बिखर रहा था ना, कहाँ से बिखर रहा था, मोदी जी ने नहीं बिखर, धर्मवाद जातिवाद मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुद्दा मुद्दे पर इलेक्शन होगा, सिर्फ दो मुद्दे 8.5-8 हज़ार का और संविधान का, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा, ना कोई तरह महंगाई का है ना किसी चीज़ का, सबसे बड़ा संविधान का, संविधान खराब हो जाएगा ये, और ये मुद्दा रहा, जो 400 पार का नारा जो उसका घटा है ना इसी वजह से घटा, संविधान वाली बात क्या थी, मतलब संविधान भाई संविधान का, आपने अम्बेडकर का फोटो भी लगा रखे वहाँ पे, आपका भी फोटो है ना आप वाले, तो मतलब आप लगते हैं कि भाई संविधान के समर्थक है। तो राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं, देखो भाई एक बार दिखा दे कैमरा मैन तक दिखा दिया, तो ये बार बार कहते थे राहुल गांधी कि संविधान जो है खतरे में, अगर मोदी जी आएंगे तो संविधान को मतलब चेंज कर देंगे तो खत्म कर देंगे, एक बात बता, संविधान बीमार पड़ा था जो न बचा रहे थे अस्पताल में दाखिल था गए, संविधान तो देखो संविधान ही है, संविधान तो संविधान है, उसका क्या मतलब था संविधान को बचाओ, और 60 साल लो करके जी जी भी 60 साल लो राज कर रहे हो ना, उन्हें क्यों नहीं करा लागू, वो उन्हें क्यों नहीं पॉलिसी लगाई इन पर, उन्हें क्यों नहीं मतलब चीज बनती ना, उनके तो 60 साल हाथ में राज हो रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल। ये जो यूपी में हार हुई है ना, यूपी की हार के बारे में जिक्र कर रहे हैं। यूपी में हार हुई है ना, जब मेरा माइंड काम कर रहा है, ये संविधान वालों ने संविधान का वोट ट्रांसफर हो गया उधर, मायावती जी का वोट ट्रांसफर हो गया उधर। अच्छा, अखिलेश की तरफ। अखिलेश की तरफ। अच्छा, ये संविधान का जो मुद्दा उठाया कांग्रेस वालों ने, ये मतलब ये मुद्दा उनका पास हो गया। पास हो गया उनका, पास हो गया मन में, जिसके उनके पब्लिक के बैठ गई भाई ये संविधान खत्म करेंगे, वो वोट मायावती जी का ट्रांसफर हो गया। उत्तर प्रदेश में हार का कारण क्या है? मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया अखिलेश यादव को? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। और मायावती का भी वोट ट्रांसफर हुआ जब जाके ये सीटें आई। बिहार में क्यों नहीं आई? उड़ीसा में क्यों नहीं आई? कर्नाटक में क्यों नहीं आई? उत्तर प्रदेश ही तो ज़्यादा डूब गया ना, तो उत्तर प्रदेश में। एमपी में क्यों नहीं आई? राजस्थान में क्यों आई 11, जबकि 25 की 25 आती थी वहाँ, थोड़ा हरियाणा में भी 10 की 10 आई थी, 5 आई। हाँ, 5 आई, बल्कि एक एक घटती है कुरुक्षेत्रा वाली, अगर अभय चौटाला खड़े ना होते तो ये भी घट जाते। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वोट वहाँ किसानों का वोट ट्रांसफर हो गया, जबकि किसान खट्टर को नहीं देते वोट, ये उसमें जाता उसमें। सही बात है, देखो नवीन जिंदल का फायदा पहुँचा है। हाँ हाँ, 80-85 हज़ार वोट ये सारे वहीं जाते। अच्छा, अभी इन बताओ आप, चलो बहुत सारी बातें हो गया, अभी ये बताओ कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की शपथ ले लिया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भी सरकार टूट जाएगी, चाचू पलटू चाचा है अभी, मतलब सरकार तो बन गई, क्या काम चाहते हो? मेरी बात सुनो, पूरी 5 साल सरकार चली गई, कर्नाटक में बीजेपी के समर्थन की सरकार बनने जा रही है, बन गई आज, उड़ीसा में बन गई आज, यानी कि मंत्री भी इन्होंने ले लिया है, खट्टर साहब को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, और खुद भी मोदी जी ऐसे हैं, भारत को 2047 में जिंदा रहे तो एक नंबर बना देंगे। बात है, ये तो मोदी के फैन है, बिल्कुल कट्टर फैन। जो मंत्री दिए सभी समाज के दिए, कोई एक समाज के नहीं है, सभी समाज था, जैसे भी उसका जैसे भी टारगेट था, सभी को मंत्री दिए, सभी राज्यों के मंत्री। लेकिन हरियाणा में तो जाट नाराज हो गए ना, ना उनका सीएम रहा ना कुछ रहे, ये सारे बैठे ना, ये मजदूर आदमी है, मैं भी मजदूर हूँ, अगर जाटों को ही ऐसा पहुँचाते रहे ना तो यहाँ बिल्कुल जीरो हो जाएगी बीजेपी। यानी इनको भी कुछ देना चाहिए, जो गरीब है इनको भी कुछ देना चाहिए। अभी कल ट्रांसफर करे, कई 1000 करोड़ ट्रांसफर करे मोदी जी ने किसानों के खाते में, इनके या मेरे इनके खाते में क्या आया, 1 रुपया नहीं है। अच्छे जी, ये भी तो इंसान है। ये देखो भाई, ये भी कह रहे हैं कि भी देखो राशन कह रही है सरकार, हम सबको राशन दे रहे हैं, ठीक है जी, हाँ सभी को मिल रहा है, वो सभी को मिल रहा है जी, सभी को। लेकिन आपके लिए कोई मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है? नहीं, हम भी छोटी जाति से आते हैं, या कुछ भी है, हमारे पास नॉन जमीन नहीं है, खेती नहीं है, लेकिन खेती वाड़ के तो ट्रांसफर हो रहे हैं 2000 करोड़, कितने 4000 करोड़ में कर देखे। आपके लिए मतलब कुछ ऐसी सुविधा? हाँ, कुछ ऐसी सुविधा हो कि इनकी भी थोड़ी बहुत 2000-3000 पेंशन बन जाए। लेकिन ये चीज़ तो राहुल गांधी ने कही थी ना, भी हम राहुल गांधी कह रहे थे, वो तो मोदी जी अब पता नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो में कहा है वो इतना इंडिया का बजट नहीं है, अगर वो सारा बजट ये उठा देगा 5-1 लाख हर लेडीज को, इतना बजट नहीं है दिल्ली सेंटर में, तो वो कहाँ से दे देते हैं? वो तो कह रहे खटाखट 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 खटाखट, तो मैं भी कह दूंगा खटाखट 1 लाख पड़े, घर में कुछ नहीं है। एक बात बता, क्या बात, अगर सरकार या मोदी सरकार मान ले किसानों को 2000 रुपये दे रखे ना, जितने भी मान ले जमीन है, अगर गरीब आदमी हो गए घर की पिलसड़ बना था साल की 5000 रुपये, तो सब कुछ ही नहीं हो जाएगा। चार बना दे। सही बताओ, भी मुस्कुरा रहे हैं, बड़े अच्छा इनका भी समाइल है। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? आपका क्या नाम है जी? मेरा महेंद्र। महेंद्र सिंह है, देखो भाई बड़ी शानदार बात करते हैं आपका। जगदीश। जगदीश। अच्छा, आपका जी? दीपा है जी। दीपा। हाँ जी। दीपा जी, ये बताओ मतलब क्या सोच रहे हैं गांव वाले, जो आपके गांव में कितनी वोट किसकी है, कितनी क्या है? वो हमने तो देख रही है, मतलब बीजेपी की कांग्रेस की ज्यादा है। अच्छा अच्छा। यो जो हमारे हैं ये मोमडन, ये ज्यादातर कांग्रेस से थे। अरे मुसलमान भाई आपके पड़ोसी हैं, इन्होंने वोट कहाँ किया है? कांग्रेस में दिया। बीजेपी को नहीं दिया वोट, एक भी वोट नहीं गया? नहीं गया, हमारे तो माफ्तगा नहीं। अच्छा। हाँ, ये क्या बात है, मतलब क्या के बता, वो तो उनकी मर्जी की बात है, अपने ने चाहे में रहो। तो ये 5 गांव है यहाँ पर जो मुसलमान समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ आस पास में, और उन्होंने जो है ये कह रहे हैं कि वोट डाले ही नहीं है मतलब बीजेपी को। हाँ, उनकी ज्यादा सुविधा तो उन्हीं के, हमारे तो 2-2 बच्चे, 4-4 ही, उनके 10-10 है। रामपुर में नहीं देखा यूपी में।
रामपुर में नहीं देखा गया। हाँ, रामपुर में बिल्कुल 552 कर दिए उस गांव में, और एक भी वोट बीजेपी को नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि सारी वोट मुस्लिम की है। हाँ। क्यों नहीं दिया? देखो रामपुर में ये हालत हो ये कि भी पांच मतलब कितने घर बताया आपने, 562। ये देखो मैंने घर के आंकड़े दिए, लेकिन 562 घर देने के बाद भी जो है बीजेपी को वोट नहीं दिया, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। एक भी वोट, जीरो वोट दी तो क्या फायदा? सुविधा भी ले रहे और वोट नहीं दे रहे तो उस चीज का ये क्या चक्कर है? ये मतलब क्या है, क्या समझ नहीं पा रहे? पता यह है, ये सोच रहे हैं भाई बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों की है, क्योंकि मुस्लिमों ने कितने 10 कानून तो ऐसे हैं जो आज़ादी दी है कांग्रेस ने मुस्लिमों को, बक्का बोर्ड वाली, हिंदू जाति में विवाह करने वाली, कितनी छूट दी है। 10 कानून ऐसे हैं जो स्पेशल पॉलिसी मुसलमानों को ही फायदा दिया है। कांग्रेस ने किया क्या 60 साल में? हिंदुओं को क्या दिया? मुसलमानों को ही दिया जो कुछ दिया। अमीर और बीजेपी ने गरीब अमीर नहीं देखा। अब जो IAS IPS लगे थे, 12 IAS IPS मुस्लिम लगे हैं, 12 IAS IPS पूरे इंडिया में 12। मतलब बीजेपी तो इतना मतलब भेदभाव नहीं करी, कह रहे कि योजना भी उन तक पहुंच रही है, फिर दिक्कतें जो है कहीं ना कहीं क्या है? फिर उनका मोटिव ये है हमारी हमें पूरी आज़ादी मिल जाएगी, वही आतंकवाद हमने फिर फैलाना है कांग्रेस आते ही। तो अभी आज़ादी नहीं है उनके ऊपर, मतलब आज़ादी है लेकिन वे जो आज़ादी चाह रहे ना भाई हमारा दबा रहे, हम गुंडागर्दी वैसे ही करें। यूपी में क्या था? पूरे खुले हम कतलेआम था, अब करके देख लो। क्या बात है भाई साहब, बड़ी मतलब निडर वाली बात आप करके देख लो ना। करके देखो पता लग जाएगा एक मिनट में। ऊपर या भीतर दो ही काम होंगे। तो ये आजादी नहीं मिल पाती ये। अरे हमारे यहाँ हरियाणा में भाई बीजेपी की कांग्रेस की 5 सीट क्यों आई? क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो जाट बहुलिक क्षेत्र है, और जो छोटी वोट है जो उन्होंने नारा दिया था भाई संविधान बदल देंगे ये कर देंगे, उससे जो हमारा छोटी वोट थी वो भी थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ गया है। अच्छा, ये फैक्टर है भाई जो कांग्रेस की 5 सीटें आई हरियाणा में। मतलब सभी लोग जो सभी मुसलमान है वो इस चीज़ को क्यों सोचते हैं? मतलब कि मतलब बहुत सारी जगह मैं लक्षद्वीप की बात करूँ, वहाँ पर भी जो है 57,000 वोटों में से कुल 200 वोट जो है वहाँ पर मिले हैं, कि जिसमें वहाँ पर 96% मुसलमान आबादी है, ये भी सुनने को आया है। मतलब ऐसा समझने को नहीं। देखो योजना सभी उठा रहे हैं फिर भी मतलब सबसे ज्यादा इनको मिल रही जो यहाँ सर्वे कर लिया मकानों के जिसकी कड़ी भी टूट रही, और वो नुई के नुई पड़े भी लो, उनका कोई गारंटी नहीं आया, और क्या है वो मकान बना दिया हमने दिखा मेरे लिए बनाए प्लाट नहीं कटे। जीरो ग्राउंड पर विकास नहीं हुआ, धरती विकास पर जमीनी विकास नहीं हुआ, लेकिन शहर विकास हुआ गाँव है ना। राष्ट्रीय लेवल पे अपना छवि सुधारी अभी, छवि बनाई, ग्राउंड लेवल पे काम करने में नेता विफल रहे हैं बीजेपी के कुछ, लेकिन जो है सर्वे जरूर कर रहे हैं, काम होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी अब उनको ठोकर लग गया, अब मैं काम करें ग्राउंड लेवल पे भी क्या जरूर करें। ये देखो भाई ये गाँव है, मतलब खुल के बोले हैं गाँव वाले, मतलब क्या लगता है आपको? ये पूरा हरियाणा वीडियो देखेगा और सारे भाई इस पर जरूर कमेंट करियो, सारे भाई वीडियो शेयर करियो, सभी जितने हमारे दर्शक हैं एनडी हरियाणा के, तो सभी इसको देख करके जो विचार करना। और ये मैं लगातार इस इन गांव में एक दो बार जाऊंगा, मैं मुसलमानों के भाइयों के बारे में भी उनसे भी राय लेऊंगा, आखिरकार क्या नाराज़गी है ना, तो सबका पक्ष रखना जरूरी है। फिलहाल मैं ये कौन सा गांव है जी, नवादा गाँव है, और 4-5 गाँव जो मतलब 5 गाँव है जैसे जहाँ पर मुसलमान मतलब आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भी कम वोट पड़े हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हरियाणा की बात हो रही है, कभी आप उत्तर प्रदेश में पहुँचे तो धन्यवाद। कैसी लगे आपको?